डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स क्या हैं, फूड की कंपोनेंट हैं जो फूड के थ्रू हम लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये फूड आइटम जो कंपोनेंट है वो हमारे फूड में प्रेजेंट है या नहीं, उनका टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होगी हमारी? वही होगी जिसमें ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स। वो डाइट जिसमें ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हो, वही क्या होती है, एक बैलेंस डाइट होती है। तो आज हम जो खाना ले रहे हैं उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि उसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट है या नहीं। तो फर्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और इराग इंग्रेडिएंट्स। आप स्मॉल जो खाना ले रहे हैं उसके स्मॉल अमाउंट लेने हैं। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। उस पर 2-3 ड्रॉप्स आपको क्या डालनी है, आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। आयोडीन सोल्यूशन आपको लैब में मिल जाएगा या किसी भी केमिकल शॉप पर मिल सकते हैं। ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। जब आप फूड आइटम के ऊपर जो आप खाना ले रहे हो उसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है, तो आप उस पर कलर चेंज देखोगे। अगर उसके अंदर कलर ब्लैक या ब्लू आ रहा है, डिड इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है? ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो हम स्टार्च का टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हम फूड आइटम लेंगे उसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर कलर में चेंज नहीं आता तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। इसी तरह और जो फूड आइटम हम ले रहे हैं खाने के तौर पर, तो उसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे हम टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का हम टेस्ट कैसे करेंगे, जो हम खाना ले रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हमें स्मॉल अमाउंट में खाना लेना है जो हम खाने के तौर पे यूज़ कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, अगर आप जो खाना ले रहे हैं वो सॉलिड है, ठोस है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो उसको आपको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ग्राइंड और मैस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, उसको ग्राइंड करके किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पाउडर फॉर्म में। पुट सम ऑफ दिस इन ए टेस्ट ट्यूब, उसको कुछ स्मॉल अमाउंट में किस में डालना, आपने पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया, उसको किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, उसमें कुछ ड्रॉप्स वाटर की डालनी है, उसको अच्छे से हिलाना है। देखो टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है जैसे इसने ले रखा है। ठीक है, तो आपको क्या डालना है, उसमें वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है और उसको अच्छे से हिलाना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट की डालनी है और कुछ ड्रॉप कास्टिक सोडा की डालनी है। शेक वेल एंड द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, उसको अच्छे से हिलाना और कुछ मिनट के लिए उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रख देनी है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो, डिड द कंटेंट इन द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या इसका कलर वॉयलेट हो जाता है। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम, अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो इसका मतलब जो हम खाना ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये एक्टिविटी आप जो अदर फूड आइटम है उसके साथ भी रिपीट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो हमने क्या देखा आज कि हम हमारा जो खाना ले रहे हैं उसके अंदर स्टार्च या प्रोटीन प्रेजेंट है यानी, उसका टेस्ट कैसे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कैसे करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट में हम फूड आइटम लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स से आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देंगे, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब जो हम फूड आइटम ले रहे हैं उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। इसी तरह हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, स्मॉल अमाउंट में हम फूड आइटम लेंगे, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और कुछ ड्रॉप्स उसमें वाटर की डाल लेंगे, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की डाल लेंगे। जब कुछ मिनट के लिए हम उसको सेक करेंगे, हिलाएंगे, तो हम नोट करेंगे अगर उसका कलर वॉयलेट कलर हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इसी प्रकार हम अपने कोई भी फूड आइटम जो हम ले रहे हैं उसमें टेस्ट कर सकते हैं कि प्रोटीन या स्टार्च है वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो मैंने जिस जितना आपको पढ़ाया है उसको खुद रीड करना है, मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी और साथ में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप रीड कर लेंगे।